इसमें यहाँ पर लच्छेदार रबड़ी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन मिलता है जी। खोआ है इसमें और दूध है और बाकी इसके अंदर तीखूर, कोई तीखूर डालता है, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई सिंगाड़े का आटा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। एक तरीके से काला जामुन टाइप का लगता है ये, जो काला गुलाब जामुन खाते हैं लोग। रायपुर में अधिकतर लोग जो है रबड़ी के साथ बहुत पसंद करते हैं, फिर खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा पसंद हो। ये रबड़ी है अपना, ये लच्छेदार रबड़ी है। रबड़ी तो बहुत लोग बनाते हैं, पर ये रबड़ी आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ये लच्छा है, मलाई नहीं है। अच्छा। जो आज से 30-35 साल पहले चलती थी जो रबड़ी, अच्छा। वो रबड़ी अपन ने फिर वापसी लॉन्च की है, चालू की है अपन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ रायपुर, और रायपुर में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बुरहानपुर जलेबी। और बुरहानपुर जलेबी का वीडियो आपने भिलाई का भी देखा होगा, और यहाँ का जो बुरहानपुर जलेबी है ना, ये थोड़ा सा अलग ट्विस्ट का है, क्योंकि यहाँ पे जो गुलाब जामुन है ना वो अलग ही तरीके का है, और ये ऑथेंटिकनेस ज़्यादा देता है अपना एमपी वाला फेमस बुरहानपुर जलेबी आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं बनता कैसे है, और एक प्यारा सा फूड रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। पूछते हैं कि कितने साल से रन कर रहे हैं रायपुर में, और आप लोगों का अगर कुछ मीठा खाने का मन करे ना तो आना बनता है भाई आप लोगों का। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को सेटअप दिख जाता है इनका। बुरहानपुर जलेबी इसका नाम है, जो कि आप लोग काली जलेबी के नाम से जानते हो, जो कि अपने रायपुर में इसको खोवा जलेबी के नाम से भी जाना जाता है, और कलकत्ता में भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ये है एमपी का, और वहीं का ऑथेंटिकनेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये जो है ना, ये ओरिजिनल है बोल सकते हो आप लोग। और लच्छेदार रबड़ी का भी ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों के पास में, और गाजर हलवा का भी ऑप्शन है। पूछते हैं कि कितने साल से रन कर रहे हैं। भैया बताइए कितने साल से रन हो रही है ये? हमारे को 4 साल हो गया, 5वां साल रनिंग में। 5वां साल रनिंग में, और शुरू से खोआ जलेबी है। नॉर्मल जलेबी नहीं बनाते क्या? नहीं, नॉर्मल जलेबी नहीं बनाते, खोआ जलेबी बनाते हैं, उसी के नाम से फेमस है। बुरहानपुर कहाँ का रहेगा ये फेमस? एमपी, ये एमपी का है जी। और एमपी का ये फेमस चीज़ है, जो कि अपने छत्तीसगढ़ में अपने को अवेलेबल कराया जा रहा है। और कैसा है रायपुर का लोगों का रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो अभी बहुत बढ़िया है, अभी तो लोग पसंद कर रहे हैं आपका जलेबी। और जलेबी के साथ क्या क्या खासियत है अपने यहाँ का? अपने यहाँ पर लच्छेदार रबड़ी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन मिलता है जी। गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, ज़्यादातर तो आपका खोआ जलेबी ज़्यादा निकल रहा है, मैं जितने देर खड़ा हूँ मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है ये। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ बनता कैसे, और सारा कुछ प्रोसेस देखते हैं, और पूछते हैं कि किस चीज़ का बनता है ये, और आप लोगों को कैसा लगता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे खोआ जलेबी का बैटर आ गया है। बैटर किस चीज़ का बनता है भैया? खोआ है इसमें और दूध है, और बाकी इसके अंदर तीखूर, कोई तीखूर डालता है, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई सिंगाड़े का आटा। क्या ज़्यादातर ये मैदे, अपना मैदा मिक्स रहता है क्या इसमें? मैदा वगैरह नहीं डालता, सिंगाड़ा का बनता है ना मेन ये। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, एक तरीके से काला जामुन टाइप का लगता है ये, जो काला गुलाब जामुन खाते हैं लोग। और उसके बाद बैटर को डाल दिया आपने पाउच में जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर इसको तुरंत फ्राई करोगे? फ्राई करके फिर शुगर में डाल के। शुगर अपना किसका रहता है, गुड़ वाला रहता है कि नॉर्मल शक्कर वाला रहता है? शक्कर वाला चाशनी होता है, उसमें डाल के तुरंत अपना खोआ जलेबी रेडी हो जाता है। और इसको किसके साथ खाना पसंद कर रहे हैं रायपुर के लोग? रायपुर में अधिकतर लोग जो है रबड़ी के साथ बहुत पसंद करते हैं, फिर खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा पसंद हो। ये अपना देसी घी का रहता है कि किसका रहता है? नहीं, देसी घी में बनाना चाहो तो बन जाता है, पर वो क्या बहुत महंगा पड़ता है, तो अपन डालडे का यूज़ करते हैं, खजूर छाप। अगर कोई ऑर्डर देता है आपको पार्टी का, तो उसमें देसी घी का भी बना देंगे आप? जी जी, अगर कभी कोई ऑर्डर दे तो अपन उसका भी विकल्प है अपने पास। तो पार्टी ऑर्डर के लिए नंबर बता दीजिए जी। पार्टी वगैरह के लिए आपको हमें 8 से 10 दिन पहले बोलना पड़ेगा, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9575160390। हफ्ते में 7 दिन ओपन रहता है जी? बिल्कुल। टाइमिंग क्या है इसका? 12 से रात के 12 बजे तक। फिर 12 से रात के 12 बजे तक, 12 घंटे तक आप लोग वर्क कर रहे हो, और बहुत ही अच्छा खासा स्वीट्स प्रोवाइड कर रहे हो एमपी का। तो ये तो भाई टेस्ट करना बनता है आप लोगों का, आते हो बुरहानपुर जलेबी। तो रायपुर में इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा? ये हमारा दुकान का एड्रेस है फूल चौक के आगे, नवीन मार्केट के बाजू में, जी ई रोड रायपुर।
जी रोड रायपुर, मतलब जी रोड में पड़ जाएगा अपना, ये एमजी रोड जाने के समय दिख ही जाता है लोगों को, और रायपुर के लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ये क्या रेडी हो रहा है भैया अपना? ये रबड़ी है अपना, ये लच्छेदार रबड़ी है। रबड़ी तो बहुत बनाते है, पर ये रबड़ी आपको बहुत कम जगह मिलेगा। अलग से दिख रहा है, इसमें लच्छा निकला हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ये लच्छा है, मलाई नहीं है। अच्छा। जो आज से 30-35 साल पहले चलती थी जो रबड़ी। अच्छा। वो रबड़ी अपन ने फिर वापसी लॉन्च की है, चालू की है अपन ने। इसका भी सेल बहुत ज्यादा होगा ना? जी 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 जी। ये इसमें कितना लीटर जा रहा होगा? कढ़ाई बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। 30 लीटर दूध है सर। 30 लीटर दूध जा रहा है इसमें? बाप रे। अपना गाय का दूध इस्तेमाल करते है कि भैंस का? ये इसमें दोनों मिक्स है सर, दोनों मिक्स रहता है ना, गाढ़ा चाहिए इसके लिए दूध। जी जी जी। दूध ये अपना गर्म होते जा रहा है और लच्छा निकलते जा रहा है। और ये तबेले का दूध है, खुला दूध है, पैकेट वगैरह का दूध हम नहीं यूज नहीं करते है। और फुल क्रीम दूध है ये, फुल क्रीम एंड मिल्क बेस्ड रहेगा अपना, जो भी खोआ यहाँ पे या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, रबड़ी। रबड़ी रबड़ी आप अलग से भी खा सकते हो और जलेबी रबड़ी भी खा सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा हम बना के देते हैं। मैंने भाई बहुत अच्छे कैटेगरी का आप लोगों को स्वीट्स यहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगा, ये बोल सकता हूँ मैं। खड़े होके भी खा सकते हो, जोमेटो स्विगी में भी अवेलेबल है क्या? था उसमें, पर सर वो क्या बहुत टेंशन वाला काम है, इसलिए हमने बंद कर दिया। लोग यहाँ आके खाना ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ आके ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑनलाइन नहीं होना चाहिए बाजार मेरे हिसाब से। हाँ स्वीट्स का ना, उसमें रेट अपना देख के लो, परख के लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए बुरहानपुर जलेबी का यहाँ पे मावा जलेबी या फिर बोल सकते हो खोवा जलेबी टेस्ट करके देखते हैं, जो कि रबड़ी के साथ दिया गया है। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या पड़ेगा इसका? एक प्लेट का आपको 60 रुपये है। एक प्लेट का 60 रुपये, और अपना जैसे किलो लेता है कोई तो 400 रुपये किलो है। 400-580 पहले था, अभी 520 हो गया, और जलेबी 100 रुपये पाव है, 400 रुपये के जी। जलेबी 100 रुपये पाओ, 400 रुपये के जी है। आप लोग भी आ सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और गुलाब जामुन क्या रेट पड़ता है? 20 रुपये नग सर। 20 रुपये नग है गुलाब जामुन। और उसके बाद में अपना गाजर हलवा 130 रुपये पाओ। 130 रुपये पाओ। तो देखो भाई प्राइस आप लोगों को पता चल चुका है, और यहाँ पे आके भी पूछ सकते हो। गाजर हलवा क्या बता रहे थे? गाजर हलवा आपको बरस के 12 महीने मिलेगा, 8 महीने आपको जो रेगुलर गाजर है उसका मिलेगा, 4 महीने देसी गाजर का मिलेगा। देसी गाजर का मिलेगा। बस सिर्फ ऐसे बनाने की कम देना, गाड़ी के लिए थोड़ी चेंज कर देते। तो आप लोगों ने प्राइस देखा, आप टेस्ट करके देख लेते हैं कि भिलाई वाले बुरहानपुर जलेबी से यहाँ का जो बुरहानपुर जलेबी है रायपुर का, उसका टेस्ट कैसा आता है। ये अलग ही चीज़ है भाई, खाना खाने के बाद खाओगे ना मज़ा ही आ जाएगा। प्लस यहाँ का रबड़ी, गाय और भैंस का दूध का मिश्रण है ये, और इतना बढ़िया लग रहा है ना, गाढ़ा रबड़ी और गुलाब जामुन के साथ। तो यह भी बोल सकते हो कि गुलाब जामुन के साथ भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, पर एक तरीके से गुलाब जामुन वाला ही टेस्ट देता है ये। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, आप लोग भी आ सकते हो। एमजी रोड के आसपास ये एड्रेस पड़ता है, टाटियापारा भी बोलते हैं इसको। और बुरहानपुर जलेबी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, रायपुर से हो, आओ टेस्ट करो। इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में।